ये मटर पनीर, यहाँ लिया मटर, यहाँ पनीर के पीसेस मैंने कट कर लिया, यहाँ लिया टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काजू, इसको मिक्सर ग्राइंडर के पेस्ट बना लेंगे। यहाँ लिया मैंने कढ़ाई, इसमें डाला सरसों का तेल, अब पनीर के कटे पीसेस में डाल देंगे और इसको अच्छे से तल लेंगे। यहाँ प्यूरी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब कुछ पनीर के पीसेस दोबारा से मिक्सर में डालेंगे और दूध के संग डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। यहाँ लिया कढ़ाई, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, तेज़पत्ता का पत्ता और एक बड़ी इलायची। अब डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड नौभा चटनी और गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें ऐड करेंगे मटर। अब इसको ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से ढककर पका लेंगे। ये देखिए इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च कलर के लिए। यहाँ मैंने मटर पनीर मसाला भी नहीं लिया है, घर के बेसिक मसालों से ही मैंने बनाई है। सब्ज़ी बहुत ही यमी बनती है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो हमने पेस्ट बनाया था पनीर का और दूध का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी बहुत थिक बनती है और बहुत बढ़िया बनती है। यह व्रतनी बना सकते हैं क्योंकि विदाउट अनियन एंड गार्लिक है। ये देखिए ऐसा लगा मैंने खोया मिक्स किया हो, बट मैंने खोया नहीं डाला है। यहाँ पे ऐड कर देंगे तले हुए पनीर। ये देखिए थोड़ा उसको ढककर पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे अपना हरा धनिया फ्रेश, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है मटर पनीर की। प्लीज़ आप भी इसे बनाइएगा, बहुत यम लगती है। ऐसा नहीं कि सब्ज़ी प्याज से ही अच्छी लगती है, विदाउट अनियन गार्लिक भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब इसके साथ बनाऊंगी मैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठे की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, अगेन मैंने फिर भी डाल दी है। इस तरीके से कट कर लेंगे इसको रोल करके। इसके साथ लच्छा पराठा बहुत अच्छा लगता है। इसको बेल लेंगे, इसको तवे पे अच्छे से सेक लेंगे, क्रिस्पी सा बना लेंगे। दो साइड घी लगाकर अलटपुट करके सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए लच्छा पराठा मेरा बहुत अच्छा बन गया है। अब यहाँ सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने डाली है सब्ज़ी मटर पनीर की और ये मैंने लगाया लच्छा पराठा। यहाँ रखेंगे सूखी हरी मिर्च। बाय बाय।